ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है तो उससे हम नहीं जाना चाहते, न समाजवादी पार्टी जाना चाहते। जी हाँ, अखिलेश के चाचा शिवपाल ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी की किसी भी चाल में फंसने वाले नहीं हैं। 2024 के लिए बीजेपी कितने भी जाल बिछाए, न वो और न उनकी समाजवादी पार्टी फंसने वाली है। अब आपके जहन में ये सवाल कौंध रहा होगा कि शिवपाल बीजेपी की आखिर किस चाल का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो फंसने वाले नहीं हैं? तो इसके लिए आपको शिवपाल का वो पूरा बयान सुनाते हैं, वो सवाल भी जिसके जवाब में शिवपाल ने चाल शब्द का इस्तेमाल किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उसके सपा उसे इतफाक रखती है कि नहीं? उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के जो धाम है वो पहले बौद्ध मठ थे। लेकिन हम कहीं नहीं जाना चाहते, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हम इतना कहीं नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है तो उससे हम नहीं जाना चाहते, न समाजवादी पार्टी जाना चाहते। अब पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल शिवपाल संगठन को मजबूती देने के मकसद से जब आजमगढ़ पहुंचे थे तो पत्रकारों ने उनसे उन्हीं की पार्टी के स्वामी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान पर सवाल किया कि बद्रीनाथ बौद्ध मठ के ऊपर बनाया गया है, तो बिना वक्त गवाए मुस्कुराते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में शिवपाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से भी पल्ला झाड़ लिया और बीजेपी की भी घेराबंदी कर डाली। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है तो उससे हम नहीं जाना चाहते, न समाजवादी पार्टी जाना चाहते। दरअसल शिवपाल ये कहना चाहते हैं कि वो 2024 के लिए बीजेपी की चाल को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो इसी तरह मस्जिद और मंदिर के मुद्दे पर उलझाए रखेगी और जो भी उसके जाल में फंसा वो बीजेपी की चाल का शिकार हो जाएगा। किसान का, नौजवान का, विकास का, महंगाई का मुद्दा गायब हो जाएगा। चाचा को पूरा खेल समझ में आ गया है, इसलिए तो कह रहे हैं मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, संगठन को मजबूत बनाना और बीजेपी को हराना। अब मेरा केवल मकसद है समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करना और समाजवादी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करना, सभी पिछड़े वर्ग लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, सभी दलित वर्ग के लोगों को, सबको इकट्ठा करना और जितने भी समाजवादी हैं सबको इकट्ठा करके 2024 में संगठन को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से हराना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।